अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच पांचवें टेस्ट मैच के चौथे दिन का मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीन दिनों के खेल में नहीं जीत पाया भारत, अब चेन्नई के चेपाक स्टेडियम पर निर्णायक चौथे दिन का मुकाबला हो चुका है शुरू। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने चटका दिए बांग्लादेश के 10 विकेट मात्र इतने रन पर। तो आखिर कितने रनों पर ऑल आउट हुई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम? अब रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी शुरू करते हुए दूसरी पारी में बना दिया कितने रन भारत के पास हो चुकी है, कितने रन की बढ़त, सब कुछ हम आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम पहले पांचवें टेस्ट मैच में चौथे का मुकाबला अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश दो सबसे बड़ी चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं, जिनके बीच 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पहले टेस्ट मैच का घमासान शुरू हो चुका है। लेकिन तीन दिनों के खेल के बाद तो अब ये टेस्ट मैच बांग्लादेश की तरफ झुकता नजर आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर अब टीम इंडिया के खिलाड़ी बिल्कुल भी ये होने नहीं देना चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम एक बार फिर से वापसी करे और हमारी टीम को हार की स्थिति में पहुंचाए। हालांकि आपको हम बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, जहां टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक तो विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने 603 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए। अब दोस्तों, 600 रन बनाने के बाद अब भारत के 10 विकेट गिर गए थे। तो तीसरे दिन का मुकाबला समाप्त होने तक बांग्लादेश की टीम में शाकिब अल हसन की शतकीय और मुशफिकुर रहीम की अर्धशतकीय पारी के बलबूते पर 5 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए थे और भारत के पास अभी भी 346 रन की बढ़त हासिल थी। लेकिन दोस्तों, जिसका डर हर किसी को लग रहा था, चौथे दिन वही हुआ। दरअसल, जब शाकिब और मुशफिकुर पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों को पता था कि तीसरे दिन भले इन्होंने 257 रन बनाए, लेकिन आज पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों को मदद करेगी और इसीलिए इन्होंने इस स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और 140 रन की साझेदारी भारत के खिलाफ कर डाली। अब दोस्तों, यहां मुशफिकुर भी शतक के बेहद ही नजदीक थे, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने उनको LBW बोल्ड आउट कर दिया। तो शाकिब अल हसन का भी विकेट 132 रन के निजी स्कोर पर जाकर गिरा और जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम के पास अब 206 रन की बढ़त थी। लेकिन दोस्तों, फिर मेहंदी हसन मिराज, जो कि इस मुकाबले में 43 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं सौरिफुल इस्लाम के बल्ले से 28 रन की पारी देखने के लिए मिली। और वहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि बांग्लादेश की टीम ने आज के मुकाबले में अपने 10 विकेट गंवाने तक भारत के पास बस बढ़त छोड़ी 56 रन की। और दोस्तों, एक बार फिर से टीम इंडिया इस मुकाबले में फंसती हुई नजर आने लग गई। एक तरफ भारत ने 603 रन बनाए थे और हर किसी को लग रहा था कि इस स्कोर को तो बांग्लादेश की टीम छू भी नहीं पाएगी, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम मात्र 56 रन पीछे है भारत के कंपैरिजन में। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश को कितनी चुनौती भारत की टीम अब दे पाएगी। अब दोस्तों, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत भारत की तरफ से कर दी है, जहां दोनों बल्लेबाज अभी तक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बस 100 रन की बढ़त दे पाए हैं। और यहां पर अब भारतीय टीम का कोशिश यही होगी कि बांग्लादेश के आगे अभी दो दिन और बच रहे हैं, कम से कम 500-650 रन का लक्ष्य रखा जाए, क्योंकि इस पिच पर दोस्तों बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो चुका है, जहाँ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक की उम्मीद पूरा भारत देश कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि भारत की टीम क्या इस मुकाबले में वापसी कर पाती है या फिर नहीं, और हमारे गेंदबाज जो कि इस बस जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बलबूते पर टिके हुए हैं, वो कुछ कारनामा करेंगे या फिर नहीं। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं भारतीय टीम के ऐसे प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।